तो अभी इफ्तारी का टाइम है और अफ्तारी बन रही है। देखते हैं, 8 नहीं 8 अफ्तारी। सैरी नहीं, मैं सैरी कहने लगा था अभी। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं अफ्तारी के टाइम पे जो है ना वो सैरी का नाम ले लेता हूँ, सैरी के नाम पे अफ्तारी का। ठीक है, हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो अभी मैं आपको गीला गीला लग रहा हूँ, ये फुल भीगा हूँ। तो सोया होता थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले मैं उठा हूँ, तो सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी है और फिर मैं सो गया हूँ। तो उसके बाद अब उठा हूँ, तकरीबन 12:45 बजने वाले से तब मैं उठा हूँ। तो मौसम आला किस्म का मौसम हुआ है, ठीक है, और फिर मैं बारी थोड़ा सा इंजॉय किया तो भीग गया हूँ। बारिश फुल माहौल वाली है, रोज़े का पता ही नहीं चल रहा है कि रोज़ा है या नहीं है, क्योंकि वो फिर प्यास वाला तो कॉन्सेप्ट ही रह गया ना फिर, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया फुल इंजॉयमेंट वाला। तो माशाल्लाह से अल्लाह ने रहमत कर दी और बारिश फुल A1 हो गई है और बहुत मज़े की बारिश हो गई है, तो एंजॉय हो रहा है। पता नहीं आपके सिटीज़ में हो रही है या नहीं हो रही, पर अगर हो रही है तो कल गुड है, एंजॉय करें बारिश को। तो नहीं हो रही तो देख के एंजॉय कर सकते हैं आप। तो बारिश बहुत माशाल्लाह अच्छी है, हो गई है बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। और ज़्यादा तो भीग गया मैं, अभी इसको चेंज भी करता हूँ फिर जाकर। फिर नमाज का भी टाइम हो रहा है तो नमाज भी अदा करेंगे, तो बारिश भी है, अब क्या करते हैं आप, थोड़ा सा व्यू चेक कराते हैं बारिश का। बारिश मैंने फुली इंजॉय की बहुत अच्छे तरीके से, तो फुल मतलब माहौल से, तो क्योंकि एक तो रोज़ा था ऊपर से बारिश, मज़ा आ गया फुल। तो अभी इफ्तारी का टाइम है, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया था बाद में, तो अभी इफ्तारी का टाइम है और इफ्तारी बन रही है। इफ्तारी सहरी नहीं, मैं सहरी कहने लगा था अभी। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं इफ्तारी के टाइम पे जो है ना वो सहरी का नाम ले लेता हूँ, सहरी के नाम पे अफतारी का, ठीक है, तो हो जाता है ब्लंडर, तो इग्नोर करें थोड़ा सा। तो अभी अफतारी बन रही है और मैं आपको चेक करवाता हूँ अफतारी कुछ थोड़ी थोड़ी वाइब कि कैसी बन रही है और किस तरह से बन रही है, तो फिर आज मेरे साथ चेक करता हूँ। हाँ जी, तो ये इधर शेक तैयार होना है किचन, और ये अभी शेक होना है तैयार, तो अभी ये रेडी हो रहा है। तो मैंने कहा जी जल्दी से इसकी मिली शिली बना दें, ये दूध है और ये शेक तैयार होने वाला है। ये छिलके हैं, ये भी इधर ही पड़े हैं, चलो तैयार पड़े हैं मतलब। तो ये असल चीज से पड़ी है ना, ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, ठीक है।
तो ये पकौड़े अभी तैयार होने लगे हैं और एक तो ये रोजा है मेरा और इसकी खुशबू से अरे भाई मुझे और जो है ना वो अपना प्यार कंट्रोल करते हैं यार रोजा है इसमें आलू प्याज पालक और मिर्चें और बाकी सबको पता होता है इसमें क्या खट्टी है बताने की जरूरत नहीं तो बड़ा फिर भी मैंने बता दिया तो मेरा शुक्रिया अदा करें कवर में तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हाँ ये पालक की हाय 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 बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया फुल हो गए ठीक है जी। तो अभी मुझे इजाज़त दें अभी नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ते हैं तो फिर मिलते हैं फिर किसी तरह किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको अच्छी लगे तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें आप बताते भी हैं और जो कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अभी इजाज़त है मुझे अपनी नई तमन्ना में जरूर याद रखिएगा मैं आपका भाई हमेशा आपके साथ मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में और रमज़ान का महीना चल रहा है और मुबारक महीना आप मेरी दुआ करें मेरे लिए भी दुआ करें इसी तरह फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग में। मुझे इजाज़त दें अल्लाह।